तो हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सारी खूबसूरत और हसीन अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने ज्यादातर अपनी रियल लाइफ में एक हीरो का कैरेक्टर निभाने वाले अभिनेता से शादी की है और उनके साथ आज तक एक हैप्पी मैरिड लाइफ बिता रही हैं। लेकिन दोस्तों, वहीं हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे भी कई अभिनेत्रियां हैं जिन्हें हमसफर के तौर पर कोई हीरो नहीं मिला तो उन्हें एक विलन या फिर एक आम आदमी से शादी करनी पड़ी। तो इसीलिए आज हम आपको बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों से रूबरू कराने वाले हैं जिन्हें एक हीरो ना मिलने पर एक विलन या फिर आम आदमी से शादी करके उनके साथ घर बसाना पड़ा। तो चलिए जानते हैं उन अभिनेत्रियों के बारे में। नंबर एक पर है जरीना वहाब। घरौंदा और माई नेम इज खान जैसी फिल्मों में नजर आने वाली अभिनेत्री जरीना वहाब काफी टैलेंटेड अभिनेत्री हैं, जिन्हें सब पसंद करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इनके पति के बारे में तो आपको बता दें कि इन्होंने साल 1986 में आदित्य पांचोली से शादी की थी। आपको बता दें कि आदित्य पांचोली पेशे से एक एक्टर हैं जो फिल्मों में ज्यादातर विलन का रोल निभाते हैं और इनकी कुछ फिल्में हैं बॉडीगार्ड और यस बॉस। नंबर दो पर है लारा दत्ता। बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री लारा दत्ता का रिलेशनशिप काफी अभिनेताओं के साथ रहा था मगर इनका रिलेशनशिप इन हीरोज में से किसी के साथ भी नहीं चल पाया, जिसके बाद इनकी जिंदगी में आए महेश भूपति जिनसे इन्होंने साल 2011 में शादी कर ली। और आपको बता दें कि महेश एक आम टेनिस प्लेयर हैं, जिनके साथ आज भी ये काफी खुश हैं और एक हैप्पी मैरिड लाइफ बिता रही है। तीन पर है रेणुका शहाणे। हम आपके हैं कौन में नजर आई अभिनेत्री रेणुका शहाणे भी एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्हें शादी करने के लिए कोई हीरो नहीं मिला, जिसके चलते इन्होंने बॉलीवुड के जाने माने विलन आशुतोष राणा से साल 2001 में शादी कर ली। आपको बता दें कि आशुतोष अब तक कई फिल्मों में काम कर चुके हैं जिनमें धड़क, आवारापन और जानवर जैसी फिल्में शामिल हैं, जिनमें इन्होंने खूब खूंखार विलन का किरदार निभाया है। नंबर चार पर है सोनाली बेंद्रे। बॉलीवुड की सबसे प्रिटी अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे ने साल 2002 में अपनी लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड गोल्डी बहल से शादी की है जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन है। पर आपको बता दें कि सोनाली बेंद्रे ने शादी के लिए एक आम बिजनेसमैन को इसलिए चुना क्योंकि इन्हें कोई हीरो मिला ही नहीं शादी करने के लिए, जिसके चलते इन्होंने एक बिजनेसमैन को अपना हमसफर बनाया। नंबर पाँच पर है आयशा जुल्का। 90s के दशक की जानी मानी अभिनेत्री आयशा जुल्का का वैसे तो कई हीरो के साथ अफेयर रहा है जिनमें नाना पाटेकर से लेकर अक्षय कुमार तक का नाम शामिल है, मगर शादी के लिए इन्हें कोई भी हीरो नहीं मिला, जिसके चलते इन्हें साल 2003 में बिजनेसमैन समीर वाशी से शादी करनी पड़ी, मगर आज वो इनके एक अच्छे हमसफर साबित हो रहे हैं, इसीलिए तो ये आज भी उनके साथ एक ऐशो आराम वाली जिंदगी बिता रही हैं। तो दोस्तों, आपको इन सभी अभिनेत्रियों के बारे में जानकर कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।